गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. टुडे आई एम प्रेजेंट फॉर टू डिस्कस द डी ब्रॉगली इक्वेशन इन क्लास 11 चैप्टर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर. ओके, आज हम लोग बेटा डी ब्रॉगली इक्वेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि डी ब्रॉगली इक्वेशंस क्या है, डी ब्रॉगली इक्वेशंस में क्या बताया गया है. तो इन्होंने डी ब्रॉगली ने क्या बताया, ध्यान से सुनिए. डी ब्रॉगली सजेस्ट दैट व्हेन एवर एनी वेव कंसिस्ट विथ वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर, इट मीन्स और रेडिएशन ऑफ वेव बिहेव लाइक व्हाट, बिहेव लाइक रेडिएशन और पार्टिकल नेचर. तो हमारा जो वेव होते हैं, वेव पार्टिकल्स होते हैं, वो दो तरह के नेचर को रिप्रेजेंट करते हैं. किस तरह के रिप्रेजेंट करते हैं, फोटोन. आपने नाम सुना होगा, व्हाट डू मीन बाई फोटोन. फोटोन इज द व्हाट, वन टाइप ऑफ द एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स. तो फोटोन कंटेन द वेवलेंथ एंड मोमेंटम. तो यहाँ पे डी ब्रॉगली बता रहे हैं कि जो आपका फोटोन होता है वो कंसिस्ट होता है, मतलब कंटेन करता है, उसके पास होता है क्या होता है, वेवलेंथ होता है और क्या होता है, मोमेंटम होता है. ठीक है, तो उसी तरह डी ब्रॉगली बोल रहे हैं जो इलेक्ट्रॉन है उसके पास भी वेवलेंथ होगा और क्या होगा, मोमेंटम होगा. ठीक है, तो ये बता रहे हैं अपने वेव कैरेक्टर्स में कि ये दो तरह के नेचर को रिप्रेजेंट करते हैं, वेव कैरेक्टर को भी रिप्रेजेंट करते हैं और पार्टिकल नेचर को भी रिप्रेजेंट करते हैं. तो डी ब्रॉगली ने क्या किया, इन दोनों इक्वेशंस को कोरिलेट किया और कोरिलेट करके एक फार्मूला डेरिवेट किया जिसमें रिलेशन को डिफाइन किया है. किस रिलेशन को डिफाइन किया है, वेवलेंथ और मोमेंटम के बीच में रिलेशन को दे करके इक्वेशन बनाया. तो यहाँ पर मोमेंटम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ. यहाँ पर देखा गया कि जो मोमेंटम है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, वेवलेंथ के. क्लियर है, तो यहाँ पर ये बताया गया आपको कि जो डी ब्रॉगली थे उन्होंने बताया कि रेडिएशन दो तरह के कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, पार्टिकल को और वेव कैरेक्टर को. तो उन्होंने बताया कि जिस तरह से फोटोन के अंदर, फोटोन एक तरह का एनर्जी होती है, तो उसमें उन्होंने एक बताया कि प्लांक जो अकॉर्डिंग टू द प्लांक इक्वेशन के अकॉर्डिंग वी नो दैट ई इक्वल टू व्हाट, एच न्यू. ई इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू होता है. और आइंस्टीन के अकॉर्डिंग ई इक्वल टू क्या होता है, एम सी स्क्वायर होता है. हमको ये बात पता है. तो इक्वेशन नंबर वन और इक्वेशन नंबर टू को अगर सिम्प्लीफाई किया जाए तो क्या मिलेगा, एम सी स्क्वायर इक्वल टू एच न्यू. तो यहाँ पर एच न्यू के प्लेस पर क्या किया जाए कि अगर लैम्डा म्यू की वैल्यू अगर पुट कर दी जाए, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होती है, सी वाई लैम्डा होती है. अगर इस वैल्यू को इसमें पुट करेंगे तो सी वाई क्या हो जाएगा, लैम्डा हो जाएगा. तो यहाँ पर पुट करेंगे सी से और सी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे. तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, एम सी इक्वल टू एच बाई लैम्डा. तो मैं पूछूंगा लैम्डा इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो एच बाई क्या हो जाएगा, एम सी हो जाएगा. तो सपोज कर लिया जाए कि अगर वेलोसिटी ऑफ लाइट की जगह वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल हो जाए, तो सी के प्लेस पर अगर वी पुट कर दें तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे देन लैम्डा इज इक्वल टू व्हाट वी विल गेट, एच बाई एम वी. और मास इंटू वेलोसिटी इज नोन एज व्हाट, मोमेंटम. देन वी कैन गेट व्हाट, लैम्डा इज इक्वल टू व्हाट, एच बाई पी. तो इन्होंने डी ब्रॉगली इक्वेशंस के थ्रू ये फॉर्मूला डेरिवेट किया गया और बताया गया कि कैसे मोमेंटम और वेवलेंथ में क्या रिलेशन है. तो दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं. ये बताया गया डी ब्रॉगली के अनसर्टेनिटी, जो हमारा जो यहाँ पर डी ब्रॉगली इक्वेशन दिया गया उसमें बताया गया. तो डी ब्रॉगली का डुअल बिहेवियर यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं हम लोग. क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं, डुअल बिहेवियर, बिहेवियर, डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर. तो मैटर के डुअल बिहेवियर को रिप्रेजेंट किया गया कि कब वो वेव की तरह बिहेव करती है और कब वो पार्टिकल की तरह बिहेव करती है. ठीक है, इसके बाद उन्होंने हाइगेंसबर्ग अनसर्टेनिटी के प्रिंसिपल के बारे में बेटा बताया है और इसमें वेवलेंथ और काइनेटिक एनर्जी के रिलेशंस को भी एक्सप्लेन किया है. तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है. तो अगर इस इक्वेशन नंबर टू में अगर बोथ साइड एम से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या मिलेगा हमको, बताइए. तो यहाँ पर मिलेगा एम इंटू काइनेटिक एनर्जी इंटू हाफ एम स्क्वायर एंड वी स्क्वायर. अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे टू से इधर का तो क्या मिल जाएगा, टू एम
काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर, एंड बोथ साइड से स्क्वायर हटाओगे तो क्या मिलेगा आपको, एम वी अंडर रूट क्या मिल जाएगा, 2m काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो यहाँ पे हमको पता है कि m और v किससे डिपेंड करते हैं हम लोग, व्हाट इज़ द रिलेशन m की वैल्यू और हम लोग कैसे mv की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। एम वी की वैल्यू हमको पता है कि लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, एच बाई एम वी होता है, हमको ये बात पता है। तो एम वी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एच बाई लैम्डा हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब इस इक्वेशन नंबर थर्ड में, इक्वेशन नंबर फोर से एम वी की वैल्यू अगर इसमें पुट करें तो हमको मिलेगा एच बाई या अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच अपन कितना लैम्डा, तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे, एच अपन अंडर रूट 2 काइनेटिक एनर्जी इंटू यम। यही रिलेशन है काइनेटिक एनर्जी और किसमें, वेवलेंथ में। यही फार्मूला डेरिवेट किया गया था डी ब्रॉगली इक्वेशंस के अकॉर्डिंग। ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स, आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा। डी ब्रॉगली का जो ड्यूअल बिहेवियर है मैटर्स का, वो इस तरह से एक्सप्लेन किया गया है, रिलेशन को रिलेट किया गया है वेवलेंथ और मोमेंटम में। ओके, सो इसे नोट कर लेंगे, इस वीडियो को मैं आपको शेयर करूँगा। थैंक यू, थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।